हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं फ्लोरा अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन। देखिए, हम इसमें क्या करेंगे कि जो वैसे तो आप नॉर्मली अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन देखे होंगे, लेकिन आज हम फ्लोरा से रिलेटेड कर रहे हैं, जिसमें हम फ्लावर्स का यूज़ करेंगे और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन जो है यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्लावर बनाना है और उसमें शेड देनी है, और शेड देने के बाद उसको हमने आउटलाइन जो है उसकी डार्क कर देनी है, बोल्ड कर देनी है, उसकी विजिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो पहले आपने रफ लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो तो आप डेफिनेटली थोड़ी डार्क लाइन्स भी ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे हमने सर्कल्स और फ्रिल्स जो है वो यूज़ करने हैं और कुछ लीव्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन है वो थोड़ा लॉन्ग में जाता है, फ्रंट से स्टार्ट होकर मैक्सिमम ये कवर कर लेता है जो हमारे हैंड का एरिया होता है उसको। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए हम नए तरीके से कर रहे हैं कि हमने ना नीचे से एक लाइन बनाई है, ऊपर एक रफ लाइन बनाई है जिसमें हम एक लाइट पैटर्न ड्रॉ करेंगे, लाइट सर्कुलर पैटर्न। आप कितना भी कुछ भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही कम और बहुत ही लाइट हैंड से हमने इसमें ड्रॉ करना है और एक इसी पैटर्न में ड्रॉ करना है। यानी एक लाइन दिखाई देगी, एक नहीं दिखाई देगी, या नीचे वाली हम दिखाई देगी और ऊपर वाली नहीं दिखाई देगी। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम पेटल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे और उसकी वेरिएशन दे देकर इसको हम इसको कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हम एक वेरिएशन पूरी करेंगे ना, जैसे ही हमने ये वाली वेरिएशन पूरी की और उसके पूरा एक स्टेप पूरा करेंगे, फिर उसको दूसरे जो हमारा फ्लावर का जो पैटर्न होगा उससे कनेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह से ही सेम पैटर्न हम नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो हमने इसको अच्छे से करना है, अच्छे से इसको ड्रॉ करना है, जो हमने डार्क लाइन्स को डार्क करना है उन्हें बिल्कुल करेक्टली और ब्यूटीफुली करना है, और धीरे धीरे करना है, क्योंकि मेहंदी का जो काम है वो धीरे का है, वो जल्दी का नहीं है। जैसे हमने ऊपर पैटर्न ड्रॉ किया था ना, इस तरह ही हम नीचे भी पैटर्न को इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम ऐसे ही इसको कनेक्ट करेंगे और चलेंगे। देखिए हम इसको किस तरह से करते हैं। Here, the sound of deafening fear.